नमस्कार, आज मैं चर्चा करूंगी सामुदायिक आधारित अति गंभीर कुपोषित बच्चों का प्रबंधन। यह कार्यक्रम झारखंड में पायलट बेसिस पे 5 जिलों में चलाया गया। 5 जिलों के सफलता को देखते हुए अदर 7 जिलों में इसका स्केल अप किया गया। समर के नाम से स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ मालन्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। इस कार्यक्रम के तहत 11 चरण में अति गंभीर कुपोषित बच्चों का प्रबंधन करना है। कैसे करना है? सबसे पहले सामुदायिक की गतिशीलता, समुदाय को अवेयर करना है कि कुपोषण को क्या है, कुपोषण के लिए ये प्रोग्राम क्यों चलाया जाता है, इसके फ़ायदे क्या हैं। जनरली जो 10 से 15% जो बच्चे होते हैं अति गंभीर कुपोषण में, उसमें चिकित्सीय कॉम्प्लिकेशन होते हैं जिसकी वजह से उसे अस्पताल में इलाज की आवश्यकता होती है। 80 से 85% जो बच्चे हैं उसको समुदाय में रहकर उनका मेडिकल ट्रीटमेंट एंड पोषाहार देकर उनको इलाज किया जा सकता है। तो सबसे पहले समुदाय को गतिशील करना, यानी कि बताना कि ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इसमें जो भी प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करवाना है। देन दूसरा स्टेप, जो भी बच्चे हैं उन बच्चों का वजन लेना और लंबाई ऊंचाई लेना, यानी कि बच्चों की स्क्रीनिंग करना। जब बच्चे आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि ये अति गंभीर कुपोषित बच्चे हैं, तो उनमें चिकित्सीय आकलन करना। चिकित्सीय आकलन में क्या क्या करना है? तो फीवर, डायरिया, हाइपोथर्मिया, स्किन इन्फेक्शन, इसके अलावा लंग इन्फेक्शन, ये सब की जांच करनी है। अगर बच्चे चिकित्सीय मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है तो उसे न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर, या जिसे कि झारखंड में कुपोषण उपचार केंद्र कहते हैं, उसमें उनको रेफर करना है। जो बच्चे में कमी कॉम्प्लिकेशन नहीं है उन्हें समुदाय में रखना है, समर प्रोग्राम के अंतर्गत उसे इनरोल करना है। उन बच्चों के भूख की जांच करना, जो भी अगर खाना बच्चा उत्सुकता से खाता है या 80% खाना खा लेता है दिए गए खाने में, भोजन में, तो वो बच्चे पास होंगे। भूख की जांच के लिए देखना है कि बच्चा 2 घंटा पहले कुछ ना खाया हो। फिर अगर बच्चा पास है तो समुदाय में रहेगा, अगर बच्चा फेल है तो उसे MTC रेफर करना है। जो आंगनवाड़ी में बच्चे रहेंगे ANM के देख रेख में, उसको जो देना है क्या देना है, तो उसको पहले जो 9 प्रकार की दवाएं हैं, जिसमें एंटीबायोटिक है, मल्टीविटामिन है, डीवॉर्मिंग है, विटामिन ए का सॉल्यूशन है, IFA है, जिंक का टैबलेट है, उसके अलावा बुखार के लिए पारासीटामोल और ORS अगर कभी भी दस्त है तो उसको देना है। पोषाहार उपचार कैसे करना है? बच्चे को जो आंगनवाड़ी से 3 साल से कम के बच्चे को, 6 महीने से 3 साल के जो बच्चे हैं, उसे 4 पैकेट दिए जाते हैं। अगर कुपोषित बच्चा है तो उसे 6 पैकेट देना है। कितना देना है? बच्चे को 180 ग्राम पर डे के हिसाब से खाना है। मतलब सवेरे अगर बच्चा उठता है तब देना है, 2 घंटे के अंतराल पर घर का बना भोजन देना है, तत्पश्चात पोषाहार देना है, फिर घर का बना भोजन देना है, फिर पोषक पोषाहार देना है और घर का भोजन देना है। बच्चे को 6 से 7 बार खिलाना है। दवाइयाँ दे दिया, पोषाहार दे दिया, उसके अलावा बच्चों को पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा देना है। बताना है माँ को बच्चे का कैसे देखरेख करना है, साफ सफाई कैसे रखना है, खाना कैसे खिलाना है, खाना किस तरह से बना के बच्चे को खिलाएं कि बच्चे को खाने में मन लगे। अगर बच्चा बीमार रहता है तभी भी बच्चे को खिलाना है, ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। बच्चा अगर खाना नहीं चाहता है तो थोड़ी थोड़ी देर पे उसे खिलाना है। उसके बाद क्या करना है? 15 दिन पे बच्चे का फॉलोअप करना है। 15 दिन में जो फॉलोअप में आएंगे उसमें भी बच्चे की विधि निगरानी की जाएगी, चिकित्सीय जटिलता देखी जाएगी और उसे भूख की जाँच की जाएगी और उसे संदेश पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी परामर्श दिया जाएगा। जब बच्चा
चार महीने तक ट्रीटमेंट में रहेगा, चार महीने के बाद उसे डिस्चार्ज किया जाएगा। डिस्चार्ज के तत्पश्चात भी हर महीने बच्चे का फॉलोअप होगा। हर महीने फॉलोअप में बच्चे को देखना है कि वो खाना खा रहा है कि नहीं, यानी कि उसकी विधि निगरानी, चिकित्सीय जटिलता, पोषाहार और इसके अलावा जो उन्हें संदेश परामर्श देना है वो जारी रखना है। इस तरह से बच्चे का चार महीना डिस्चार्ज के बाद भी फॉलोअप होगा। तो ये थे समर प्रोग्राम, यानी कि समुदाय आधारित अति गंभीर कुपोषित बच्चों का प्रबंधन। इसमें तीन लोगों का दल होगा, एक सहिया होगी, सखी मंडल की दीदी, ये बच्चे को समुदाय में लेके आएंगे, आंगनबाड़ी में लेके आएंगे। यहाँ पे सेविका उन बच्चों का वजन करेगी। एएनएम के देखरेख में बच्चे को समुदाय में नामांकित किया जाएगा। एएनएम द्वारा बच्चे का चिकित्सीय आकलन किया जाएगा। एएनएम के द्वारा बच्चे को दवा दी जाएगी। फॉलोअप एएनएम और सेविका के देखरेख में होगा। गृह भ्रमण सहिया करेगी। धन्यवाद।